नमस्कार, मैं नीता दोलिया उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग से पुनः आज आपका स्वागत करती हूँ। आज के अभ्यास के क्रम में हम भ्रामरी कुंभक का अभ्यास करेंगे, जिसका वर्णन हट प्रदीपिका में कुछ भिन्न तरीके से दिया गया है। तो आइए जानते हैं इसकी विधि किस प्रकार हट प्रदीपिका में वर्णित है। स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार श्वास भरते हुए भ्रमर के समान आपको गुंजन करना है, वह श्वास छोड़ते हुए आपको भ्रमरी के समान रेचक करना है। तो इस प्रकार आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। परंतु हो सकता है आपको कठिनाई का अनुभव हो, उसके लिए आपको सरल अभ्यास भी बताया जाएगा, जिसे आप नियमित रूप से जो वर्तमान समय में प्रचलित है कर सकते हैं। परंतु आइए एक बार प्रयास करते हैं, जिस प्रकार स्वामी स्वात्माराम जी ने हट प्रदीपिका में भ्रामरी प्राणायाम का वर्णन किया। ध्यान रहे, सभी प्राणियों में हम जालंधर बंद व मूल बंद का अभ्यास करेंगे। यदि आप अभ्यस्त हैं तो आप अंतर कुंभक का निरंतर इसमें अभ्यास करेंगे और इस प्रक्रिया को शामिल करेंगे। भ्रमर के समान हल्की मोटी आवाज में आपको गुंजन करते हुए श्वास भरना है। इस प्रकार भ्रमर के समान गुंजन करते हुए आप श्वास भरेंगे अंतर कुंभक के साथ जालंधर बंद व मूल बंद, तथा श्वास छोड़ते हुए भ्रमरी के समान गुंजन करेंगे। जब आप श्वास भरेंगे तो जो गुंजन होगी, आपका जो गुंजायमान आवाज होगी, वह थोड़ा सा मोटी रहती है, और श्वास छोड़ते हुए वह आवाज थोड़ा पतली होती है। तो आइए एक बार सामान्य वर्तमान समय में प्रचलित अभ्यास को देख लें, किस प्रकार आप करेंगे। इसका वर्णन घेरण संहिता में भी दिया गया है। प्रारंभिक जो अभ्यास है, आप सर्वप्रथम मुट्ठी बंद करते हुए तर्जनी उंगली, या फिर आप चाहें तो मध्यमा का भी इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप अभ्यास करेंगे। कोहनी को कंधों के समानांतर फैलाते हुए कानों को बंद कर लें। तत्पश्चात आप उसी प्रकार सामान्य स्थिति में श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान आपको गुंजन करनी है। एक बार आप अभ्यास देखेंगे, दोनों कानों को बंद करते हुए प्रकार आप धीरे धीरे श्वास भरते हैं। यदि आप अभ्यस्त हैं अंतर कुंभक का अभ्यास करते हुए जालंधर बंद मूल बंद, तत्पश्चात धीरे धीरे आप भ्रमर के समान गुंजन करते हुए श्वास छोड़ेंगे। तो आइए इसकी कुछ सामान्य सावधानियों व लाभों को जान लें। यदि कानों में किसी प्रकार का संक्रमण हो तो उस अभ्यास को ना करें, इसका लेट कर अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन्हें गंभीर हृदय रोग हो उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हट प्रदीपिका में वर्णित यह प्राणायाम का अभ्यास चित्त को आनंद प्रदान करने वाला है। यह आपके मन को शांत करता है। इसके कुछ सामान्य लाभ भी हैं। यह मानसिक थकान दूर करता है तथा मन को शांत करने वाला अभ्यास है। इसका प्रभाव हमारी मन स्थिति पर पड़ता है और आपको अंतर्मुखी बनाता है।